हाँ जी लक्ष्मी नारायण बनने वालों की और राम सीता बनने वालों की इस समय शूटिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? दोनों डायनेस्टी में कोई अंतर होगा शूटिंग के हिसाब से या नहीं? एडवांस पार्टी तैयार हो रही है राम सीता की डायनेस्टी, और बीके पार्टी जो तैयार हुई है वो कौन सी डायनेस्टी है? लक्ष्मी नारायण की सतयुग की डायनेस्टी। वो सात नारायण बाद में बनने वाले अभी भी वहां कार्य रहते हैं। जो सतयुग में आठ राजाइयां चलती हैं, लक्ष्मी नारायण की परंपराएं अलग और राम सीता की परंपराएं मान्यताएं अलग। एडवांस पार्टी में और बीके में कोई अंतर दिखाई पड़ता है या नहीं है? चाल में कोई अंतर दिखाई पड़ता है या नहीं? यही अंतर वहां ब्रॉड ड्रामा में होगा। क्यों बोल नहीं पाते? पर्सनल बातें अलग पूछ लिया करो। और ज्ञान में मन बुद्धि की बात होती है लेकिन शरीर बुद्धि इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है, जबकि शरीर भी इम्पोर्टेंस है कि मन बुद्धि शरीर तीनों अगर एक जगह पे होता है तभी वो चीज हम सक्सेस तक पहुंच पाते, सफलता में मिल पाती है। और बाबा कहते हैं कि शरीर सड़ते जावेंगे और तुम्हारी आत्मा पावरफुल होती जाएगी, और आप कहते हैं शरीर भी पावरफुल होने चाहिए तो आत्मा भी पावरफुल बनेगी। पहले परिवर्तन आत्मा चैतन्य का होगा या जड़ शरीर का परिवर्तन होगा? है पहले मन बुद्धि रूपी आत्मा का परिवर्तन चाहिए। दुनिया में जो योग की प्रक्रियाएं चलती रही मनुष्य गुरुओं द्वारा, वो शरीर की प्रक्रियाएं चलती रही योग के नाम पर या आत्मा को एकाग्र किया? शारीरिक प्रक्रियाएं चलती रही, आसन सिखाओ, कुंभक करो, प्राणायाम करो, इन प्रक्रियाओं से मन बुद्धि और शरीर दोनों का ह्रास हुआ है। हजारों साल की हिस्ट्री क्या कहती है? है? शरीर और मन बुद्धि नीचे गिरे हैं या ऊंची स्टेज में गए हैं? मेंटलिटी नीचे गिरती गई है, इसलिए बीज को पानी देना पहले जरूरी है। आत्मा है बीज और ये शरीर है झाड़,
पत्तों पत्तों को, टहनियों को, तनों को पानी देने से कुछ नहीं होगा। हाँ, योग से शरीर तो पंचन बन जाते हैं, शरीर सत्य जा रहे। हाँ जी, मन बुद्धि का परिवर्तन होने से शरीर तो बलिष्ठ होना चाहिए। बलिष्ठ होना चाहिए, मन का मन और त्रेसर जन्म के हिसाब किताब कहाँ जाएंगे? योग बल से हिसाब किताब कट रहे हैं कि और ज्यादा बढ़ रहे हैं? अभी क्यों बढ़ रहे हैं? 100 गुना पाप क्यों चढ़ा रहे? जानबूझ करके, क्योंकि ज्ञान बुद्धि में सेट नहीं हुआ है। ज्ञान माने पहचान, जानकारी। भगवान क्या चीज है वो अभी जानकारी नहीं हुई, निश्चयात्मक बुद्धि नहीं बनी है। घड़ी घड़ी निश्चय और अनिश्चय आता रहता है, इसलिए नाक रगड़नी पड़ रही है। ये पहचान होने में ही लंबा टाइम लगता है। पढ़ाई अभी चालू है या खत्म हो गई? अभी भी पढ़ाई चालू है। और दोनों पॉइंट कहाँ है? माने शिव बाबा दोगला है क्या? कब बन जाएगी कंचन काया? पहले प्रकृति सतो प्रधान बनेगी कि आत्मा सतो प्रधान बनेगी? अरे कंचन काया कब बनेगी? परम धाम से आने के बाद बनेगी या उससे पहले बन जाएगी? प्रकृति सतो प्रधान पहले बनेगी कि आत्मा सतो प्रधान पहले बनेगी? आत्मा पहले सतो प्रधान बनेगी, फिर थोड़े से मुट्ठी भर बच्चे निकलेंगे जो प्रकृति को भी सात्विक बनावेंगे और अपनी सात्विक राजधानी इसी दुनिया में स्थापन करेंगे, नरक के बीच स्वर्ग बनावेंगे। वो ऐसे हिम्मत वाले बच्चे होंगे, ऐसे दृढ़ इच्छा शक्ति वाले होंगे कि बल शरीर सड़ा हुआ हो तो भी सारी दुनिया में ऐसी सेवा करेंगे जो सारी दुनिया का परिवर्तन हो जाएगा। हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप। हम तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान आत्मा वाले सेवा करते हैं क्या? सेवा करने वाले हम हैं, हमारे शरीर हैं। ये तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान आत्मा विकारों में खुश है या निराकारी निरहंकारी निर्विकारी बनने में खुश है? किस स्थिति में ज्यादा टिकते हैं? हाँ, ज्ञान के फोर्स के आधार पर हम हिम्मत कर सकते हैं, करते हैं। अब जो जितनी हिम्मत करते हैं बाप दादा उनको उतना मदद देते हैं। जरूर चुने हुए थोड़े निकलेंगे जो संसार को पलटावेंगे, जो पलटाने वाले होंगे वो हजारों की तादाद में होंगे या बीसियों की तादाद में होंगे? है 16,000 में तो ढेर के ढेर दास दासी भरे पड़े, कितने होंगे? राजयोग सीख करके राजा बनने वाले कितने होंगे? बस 20-25 सौ।
पांच वीसा निकलेंगे। जो परिवर्तन करेंगे, बाकी तो श्रीमत के बरखिलाफ बात करते रहेंगे। बाबा की बातें ही दोगली दिखाई देंगी। बाबा दो दो बातें करते हैं, जैसे बीके वाले लोग कहते थे, क्या कहते थे, मुरलियों में कभी आती है खेत की बात, कभी खलियान की बात आती है, कभी कहते हैं लक्ष्मी नारायण बुद्धू हैं, कभी कहते हैं लक्ष्मी नारायण बुद्धिमान है। बाबा की तो रहमत लहर है, जो चाहे सो बोलते रहते, वो तो भगवान ही है। जैसे कि भगवान न हो गया, दोगला हो गया, अभी भी बहुत ज्ञान की बातें समझना बाकी हैं। अभी हमने जाना ही क्या है, 84 जन्मों में से हमारा अव्वल नंबर पार्ट क्या है, वो भी हमको ज्ञान नहीं है। चौरासी जन्मों में से सर्वश्रेष्ठ जन्म हमारा कौन सा है, जो शास्त्रों में विख्यात है 33 करोड़ देवी देवताओं के रूप में, उनमें हमारा नंबर कौन सा है, ये भी हमको ज्ञात नहीं है। अभी तो ऐसे है जैसे चूहे को हल्दी की गांठ मिली तो पंसारी बन के बैठ गया। बाबा की बातों का तो कभी काट ही नहीं आना चाहिए बुद्धि में। ब्रह्मम वाक्यम जनार्दनम कहा जाता है, मुरली का एक एक वाक्य पत्थर की लकीर है। और अमीनी मत बनने बने आश्रम नहीं बने, वहाँ आप नहीं जा सकते हैं। बने बने कि गोरखपुर में आप कहते हैं कि गीता पाठशाला नहीं, गोरखपुर में गीता पाठशाला नहीं, गीता पाठशाला है, अमीनी मत बन नहीं बना है। बन जाएगा, बन जाएगा, आप कहते हैं हम जाएंगी नहीं जगत मिनी मधुबन, आप कहे हैं जाएंगी नहीं जगत मिनी मधुबन नहीं बनेगी। हम कहाँ कहे कि हम गोरखपुर नहीं जाएंगे, किसी को कहा क्या है, किसी को कहा इस माता के तो कान में कह दिया होगा। तो हमको भी चिंता हो गया बाबा वहाँ जाएंगे नहीं। और गोरखपुर आएंगे, हम नहीं आएंगे गोरखपुर। गऊओं की रक्षा का ठिकाना नहीं बनाते, नाम रखवा दिया गोरखपुर, क्यों आ? बाबा सुल्तान से गौ माने गऊ है, कन्याएं माता है, रख माने रक्षा, पुरमाने स्थान, गऊओं की रक्षा का स्थान, तो क्यों आए? नाम कुछ और काम कुछ और। प्रश्न आया है, ब्रह्मा बाबा ने सहनशीलता का पाठ नहीं बजाया, शिव बाप ने प्रवेश करके सहनशीलता का पाठ बजाया, लेकिन ये भी बोला हुआ है कि जगदम्बा सहनशीलता का पाठ नहीं बजाती।
उसमें ब्रह्मा की सोल प्रवेश करके सहनशीलता का पाठ बजाती है, ऐसा है, है? ऐसा है या अनुमान लगा लिया कि जगदम्बा सहनशीलता का पाठ बजा रही है? जगदम्बा सहनशीलता का पाठ बजाती है या अंतिम तमो प्रधान स्टेज में महाकाली का पाठ बजाती है? महाकाली में सामना करने की शक्ति है या सहनशीलता होने की शक्ति है? सामना करने की शक्ति है। बाबा ने बोला है कि राजयोग की पढ़ाई 16108 पढ़ते हैं, जो राजा रानी अथवा राज परिवार में जन्म लेते हैं। फिर बोला है कि 16000 में आने से तो अच्छा साहूकार प्रजा में आ जाना अच्छा है। तो बाबा, साहूकार प्रजा वाले राजयोग की पढ़ाई नहीं पढ़ते हैं क्या? हैं? पढ़ते हैं? पढ़ते हैं या धन से सेवा करते हैं? जिस धन से 16000 गऊएं पलती हैं, उनका खाना खर्चा कहाँ से चलता है? हैं? सोलह हजार गऊओं के माँ बाप देते हैं या साहूकार लोग देते हैं? कहाँ से आता है? हैं? साहूकार लोग देते हैं तब वो गऊएं पलती हैं। लेकिन जो गऊएं पलती हैं, क्या वो 16 घंटा सेवा करती हैं? है? या मुट्ठी भर हैं जो 16 घंटे सेवा करती हैं? है? 16 घंटे सेवा करना कोई मासिक अगर नहीं है, अगर नहीं करती हैं, ईश्वरीय सेवा में बुद्धि नहीं लगी हुई है, तो दास दासी नहीं बनेंगे तो क्या बनेंगे बताओ? हाँ, ये जरूर है कि ईश्वरीय दरबार में आकर के जो सरेंडर होते हैं वो राजपद पाने के लिए सरेंडर होते हैं। इसलिए आखरीन में कैसे भी करके इतनी बुद्धि आएगी कि अंत में जाकर के सेवा करेंगे। इसलिए बोला है कि त्रेता के अंत में जाकर 16000 की संख्या पूरी होती है जो प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं। तो अंत में प्राप्ति करी तो क्या प्राप्ति करी? आदि में थोड़ों ने प्राप्ति करी तो 8 नारायण बनते हैं। वहां सत्युग में राजाएं भी ढेर के ढेर नहीं होते, राज परिवार भी बहुत छोटा होता है, और त्रेता में तो ढेर राजाएं होंगे, महाराजा कोई भी नहीं होंगे, और राजाओं के परिवार भी होंगे। वो परिवार के भांति मिलकर के 16108 संख्या बनेगी सतयुग आदि से लेकर के त्रेता अंत तक।
तो दास दासी बनने वालों की संख्या ज्यादा होगी या प्रिंस प्रिंसेस की संख्या ज्यादा होगी? हैं? दास दासी बनने वालों की संख्या ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले बहुत ऐसे होंगे जो एक ही जन्म मात्र में प्रिंस प्रिंसेस बनकर रह जाएंगे, बाकी जन्मों में दास दासी बनते रहेंगे। कन्या भट्टी करने के बाद भी अगर बाबा के यज्ञ में सरेंडर नहीं होती, नहीं आती है, तो क्या करना चाहिए? उसे पूछो उसकी इच्छा। वो ज्ञान यज्ञ में जीवन बिताना चाहती है या शादी करना चाहती है? माँ उसके दिल को जान सकती है, बाहर की दुनिया में तो नहीं भागती है। अगर बाहर की दुनिया में चित्त लगता है तो शादी कर देनी चाहिए। और कहीं बोला है कि महाकाली जब आएगी तो पांडव गुप्त हो जाएंगे, है? कहीं किसी मुरली में या किसी कैसेट में आया है? जब राज करेगा खालसा तो बाकी सब कहां जावेंगे? खालसा कौन से धर्म में गाए हुए हैं? सिख धर्म में गाए हुए हैं। और जब सिख धर्म की बारी आती है उस समय देवी देवताएं सब कन्वर्ट होकर के कहां चले जाते हैं? और धर्मों में कन्वर्ट हो जाते हैं। बाकी जो कच्चे पक्के ब्राह्मण रहते हैं उनके ऊपर खालसा का राज्य हो जाता है। और साकार ही भगवान करने पर सक्सेस होगा अपने, साकार भगवान भगवान को कोई प्रत्यक्षता रूपी जन्म देता है क्या? अरे बच्चों को तो माँ बाप प्रत्यक्ष करते हैं संसार में जन्म देकर, यहाँ तो बेहद के जन्म की बात है। बच्चों को तो जन्म देते हैं ज्ञान में माँ बाप, लेकिन जो हमारे बेहद के माँ बाप हैं उनको कौन जन्म देता है? जगदम्बा माँ को और जगत पिता बाप को जन्म देने वाला कौन है? वो तो शिव बाप निराकार है, उनको कौन जन्म देगा, उनको कौन प्रत्यक्ष करेगा? उनका नाम ही है स्वयंभू, स्वयं ही स्वयं को प्रत्यक्ष करते हैं। बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे नहीं सकता,
और एकाग्रता की बात है हमारी, जब ऐसी एकाग्रता हो जाएगी तो हम जग जीत लेंगे। क्या आज की दुनिया में कहा जाता है डोरे डालना, आंखों से ही डोरे डाले जाते हैं ना, वो भी बुद्धि की एकाग्रता हो जाती है तब डोरे पड़ते हैं। यहां ये बेहद की एकाग्रता की बात है। सारी दुनिया हिप्नोटाइज होने वाली है, ऐसी एकाग्रता की शक्ति हो जाएगी। और एक एक रथ में ज्ञान लाखों करोड़ों के हैं, पहली लाइन से मुरली के ज्ञान रथ लाखों करोड़ों के हैं, ये भविष्य के लिए है वर्तमान के लिए है। अभी जो ज्ञान रतन धारण करेंगे और आगे चल, अभी अभी कोई ऐसी आत्माएं दिखाई नहीं पड़ती हैं दुनिया में जो ज्ञान का ही धंधा कर रही हो, और उन्हें कोई धंधा करने की दरकार नहीं है, और उनके पास रतन ही रतन भर रहे हो, अभी नहीं दिखाई पड़ती है? अरे अभी ब्राह्मणों की दुनिया में कोई आत्माएं ऐसी दिखाई पड़ रही हैं? हैं? अरे अगर अभी एक भी दिखाई पड़ रहा है तो एक से अनेक होंगे या नहीं होंगे? एक हो सकता है तो अनेक नहीं हो सकते? ये ज्ञान रतन ही तुम्हारे स्थूल रतन बन जावेंगे, ऐसे बोला है मुरली में। ये बोला तो था 68 से पहले, अब 68 को कितने साल हो गए? 42 साल हो गए। अरे 42 साल के बाद कुछ तो प्रत्यक्षता हुई होगी। तो 1, 2, 4 के लिए प्रत्यक्षता हो सकती है, कुबेर प्रत्यक्ष हो सकता है, भगवान की तो बात ही छोड़ दो, वो तो ज्ञान का सागर है। अगर कुबेर प्रत्यक्ष हो सकता है तो हम प्रत्यक्ष नहीं हो सकते? कुबेर 8 में से एक है, तो 8 के नंबर में और बच्चे नहीं आएंगे, तो उनके लिए ये ज्ञान रतन ही क्या बन जावेंगे? स्थूल रतन बन जावेंगे। और ये दुनिया के धंधे धोरी खलास होते जा रहे हैं या बढ़ रहे हैं? है? खास भारतवर्ष में दुनियावी धंधे धोरी खलास हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं? सच्चाई से जो धंधे किए जा रहे हैं वो सब खलास हो रहे हैं।
झूठे लोग पनप रहे हैं, करोड़पति अरबपति बन रहे हैं, वो मुट्ठी भर हैं या ज्यादा हैं? हैं? मुट्ठी भर हैं। थोड़ा भी अकाल प्रत्यक्ष होने दो, फिर देखो कैसी मारामारी होती है। फिर ये जो बड़े बड़े साहूकार दिखाई पड़ते हैं, उनकी क्या हालत हो जाती है। फिर दुनिया में छोड़ो, पहले भारतवर्ष में ज्ञान का धंधा चलेगा, ये धंधा दोरी चलेंगे। ज्ञान का धंधा ही संसार में बढ़ेगा, और जब ज्ञान का धंधा बढ़ेगा तो ये हीरे जवाहरात रतन किसके आगे आएंगे, किसके चरणों में गिरेंगे? अज्ञानियों के चरणों में, ज्ञानियों के चरणों में आके गिरेंगे। अभी जानते हैं कि हमारा आखिरी ठौर इस दुनिया में माउंट आबू है, पर छोड़ छाड़ के कोई पहुंच रहा है? हाँ? जब आखिरी ठौर माउंट आबू है और 27 साल रह गए जिंदगी के, तो माउंट आबू कोई पहुंच रहा है धंधा धोरी छोड़ के? तो ज्ञान बुद्धि में बैठा है, परसेंटेज में बैठा है या 100% बैठा है? कौन सा है पीछे का चित्र? लक्ष्मी नारायण बाबा, पीछे के चित्र पर डिटेल में जानकारी दीजिए। भट्टी में आए थे तब लक्ष्मी नारायण के चित्र पर जानकारी नहीं मिली? नहीं मिली है, लिटरेचर बना हुआ है, पढ़ लेना। जो पीछे चित्र लगा उसके बाद कौन सा चित्र लगा? जो जगदम्बा का पार्ट है वो ही पार्ट अन्नपूर्णा का पार्ट है। जब भगवान शुरू शुरू में प्रत्यक्ष होने की बाजी आती है, प्रत्यक्षता वर्ष जब मनाया जाता है, तो उस समय भगवान को स्नेह का दान कौन देता है? स्नेह को ही योग की खुराक कहा जाता है। कौन देता है? अरे अन्नपूर्णा ही देती है। तो वो चित्र दिखाया गया, क्या बड़ी बात हो गई? और ये समझना बड़ी बात है क्या? अच्छा, माने वही श्री कृष्ण का चित्र छपा हुआ है एक तरफ, और दूसरी तरफ त्रिमूर्ति का चित्र छपा हुआ था उस पर्चे में, पहली पहली बार जब बैज बने थे। बाद में बैज का रूप बदलता गया, उसमें से लिखत उड़ गई। वो बैज की ही बात बताइए। अब चैतन्य की बात है कि जड़ चित्रों को ही लेके चलते रहोगे?
जो भी क्या और परशुराम को भगवान के रूप में लोग मानते, कैसे मानते क्या? वो तो कच्छ मच्छ अवतार को भी भगवान के रूप में मान लेते हैं, और मानने वाले मनुष्य हैं या भगवान है? है? मनुष्य ने ही वो पार्ट बजाए हैं हिंसा के, मनुष्य उनको भगवान साबित कर देता है। कलयुग में जितने भी विश्व विजय की आकांक्षा वाले हुए, बड़ी बड़ी राजाइयों को जिन्होंने मात दे दी, हिंसा करते गए अलेक्जेंडर जैसे, वो परशुराम नहीं हुए, हत्यारे नहीं हुए तो क्या हुए? कहाँ की यादगार है? संगम युग में शूटिंग होती है, हाँ तो वही तो शूटिंग हो रही है। और सात रात वगैरह जो है वेदों की रचना द्वापर युग में होती है, ऐसा शास्त्रों में या आपकी मूर्तियों में आया हुआ है, क्या कोई इसका जो है और युग में इसका जो है समय जो है? शास्त्र तब रचे जाते हैं जब जब लोग अनुशासनहीन होते हैं, तब शासन का विधान शुरू होता है। शास माने शासन करना, ये शासन तब किया जाता है जब अनुशासनहीनता बढ़ती है। अनुशासनहीनता सतयुग त्रेता में होती है या द्वापर कलयुग में होती है? जब द्वैतवादी युग होता है, दो दो बातें होती हैं, दो दो धर्म होते हैं, दो दो मतें होती हैं, तब अनुशासनहीनता बढ़ती है। जहाँ एक ही राज्य होता है, एक ही धर्म होता है, वहाँ अनुशासनहीनता की तो कोई बात ही नहीं। शास्त्र क्यों बनेंगे? शास्त्र है शासन करने का विधान। और अभी अभी जो वहाँ मकान बना रहे हैं जाकर के, उनके मकान तो धड़ाधड़ तोड़ रहे हैं, तोड़वाने वाले हैं, जानते हो कौन है? हिम्मत है तो रहो जाके। बाबा ने तो सिर्फ प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बोला है, जिनकी कंप्लेंट है हम अपने पैसे को कहाँ डालें, कंपनियों में डालें, बैंकों में डालें, कोई कारखाने में डालें, धंधे धोरी में डालें, या सब फेल हो जाएंगे? फेल हो रहे हैं। अगर ऐसा डर है तो माउंट आबू की प्रॉपर्टी में डाल दो, दिन दूनी रात चौगुनी कीमत बढ़ेगी, जब तक टोटल विनाश होगा, घटेगी नहीं। और अभी ढाई तीन वर्ष से ही देखो, जब से एडवांस पार्टी माउंट आबू में पहुंची है तब से लगातार वहां कीमत बढ़ रही है, घट रही है? और दुनिया में प्रॉपर्टी की कीमत घट रही है, खास करके भारतवर्ष में। है तो बेच दो फटाफट, रुके काहे के लिए? मालूम तो है कल विनाश हो जाएगा। अका
काल बढ़ रहा है कि घट रहा है। वर्ष वर्ष भारतवर्ष में हर स्टेट में अकाल बढ़ता जा रहा है या घट रहा है? बढ़ रहा है। दुनिया के देशों में अनाज पैदा करने के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा है कोई। अगर सागर में से मछलियां निकालना बंद कर दिया जाए तो भूख मरने लगेंगे लोग। सरकार अकाल घोषित नहीं कर रही है। बदनामी की डर से। लेकिन जब गले तक पानी आ जाएगा तो अकाल घोषित ही करना पड़ेगा। और बाबा ने बोला है जब विनाश शुरू होगा तो सबसे पहले जोर का अकाल पड़ेगा, उसी में मारामारी शुरू हो जाएगी। चाहे हिंदुस्तान हो चाहे पाकिस्तान हो, शीशा देर से बचने के लिए पाकिस्तान से आक्रमण ही कर सकता है, डाइवर्ट करने के लिए बुद्धि को। और जो सुनामी वो जापान में आया अभी, उसका असर सारी दुनिया में पड़ा है या सिर्फ जापान में ही पड़ा है? तो मंदी का दौर चलेगा या तेजी का दौर चलेगा? प्रॉपर्टी में मंदी का दौर चलेगा। इस ध्यान में नहीं रहना चाहिए कि अभी आगे चल के कीमत बढ़ेगी प्रॉपर्टी की। और माया सभ्यता की जो कैसेट चली है 2012 के लिए, कुछ तो काम करेगी कि कुछ भी काम नहीं करेगी? करेगी। और बाबा 2001 से बोलते चले आ रहे हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। खास दिल्ली राजधानी के लिए बोला हुआ है। दिल्ली पहले कब्रिस्तान, फिर बाद में परिस्थान बनेगी। गाजियाबाद और दिल्ली में अभी भूकंप है। गाजियाबाद में और दिल्ली में भूकंप आया है। ये आया है तो छुटक छुट छुटलियां पुटलियां है। दिल्ली तो सारा ही भूकंप का बेल्ट है। दिल्ली राजधानी प्रभावित होगी तो सारा हिंदुस्तान प्रभावित हो जाएगा। इस हेर में नहीं रहना कि अभी तो कीमत और ज्यादा बढ़ेगी। क्या दिखाई पड़ता है? कीमत अरे तुम तो भट्टे बदलिए। अभी तो माउंट आबू की कीमत गवर्नमेंट ने भी बढ़ा दी। वहां के रहने वाले हैरान हैं, ये पत्थरों की कीमत क्यों बढ़ा रहे हैं?
जहाँ बंजर जमीन पड़ी हुई है कुछ भी पैदा नहीं होता, पानी भी नहीं मिल रहा है। बड़े भाई की बात छोटे भाई को माननी पड़ती है, तो बाबा युधिष्ठिर की बात को भीम मानता था, तो इस बात की शूटिंग यहाँ कैसे लागू होती है? भारतीय धर्म कौन कौन से हैं? हैं? पांच हैं भारतीय धर्म, जो राजा ही लेते हैं साकार भगवान से। सतयुग का सूर्यवंश, त्रेता का चंद्रवंश, द्वापर में बौद्धि, और द्वापर के अंत में सन्यासी, और कलयुग में सिख। इन पांचों धर्मों में कोई मुख्य आत्माएं होंगी या नहीं होंगी? जो मुखिया है वो ही पांच पांडव हैं। ये पांच पांडव एक दूसरे से छोटे हैं, अभी भी ब्राह्मणों की दुनिया में धर्मराज युधिष्ठिर किसका पार्ट है? है ब्रह्मा बाबा का। ब्रह्मा बाबा के प्रति मान कम है या ज्यादा है? अभी भी ज्यादा है। भले उन्होंने अभी कोई धर्म का करिश्मा करके नहीं दिखाया, कोई युधिष्ठिर ने अभी धर्म स्थापन करके नहीं दिखाई दिया, भीम का करिश्मा गाया हुआ है, अर्जुन का करिश्मा गाया हुआ है, युधिष्ठिर का करिश्मा अंत की बात है, जब धर्म की स्थापना का कार्य पूरा हो जाएगा। भस्मासुर जब पैदा होता है तो उसको मोर का पंख दिखाते हैं, और जब असुरों से मिलता है तब मुर्गा का पंख दिखाते हैं। इसका राज क्या है? इस संघ के रंग की बलियारी है। भगवान का संग रहता है तो काहे का पंख है? मोर का पंख है, पवित्रता को धारण करने वाला। असुरों का संग है तो मुर्गे का पंख दिखाया जाता है। मुर्गा विदेशियों का सूचक है, दूसरों को जगा देता है, खुद सो जाता है। ये विदेशी भी बाप को पहचान लेते हैं, पहचान करके बाप की पहचान सारी दुनिया को दे देते हैं, ढिंडोरा पीट देते हैं और खुद पुरुषार्थ में सो जाते हैं। जैसे सन 76 में हुआ, ब्राह्मणों की दुनिया में कोई विदेशी निकले सन 76 में? है कौन? हाँ, जो ब्रह्मा के चार पुत्र हैं, उनमें से तीन पुत्र विदेशी हैं, विधर्मी हैं। उन्होंने बाप को पहचाना और प्रत्यक्ष कर दिया, और बाद में
बाद में खुद सो गए अज्ञान की नींद में, विरोध करने लग पड़े, अभी भी विरोधी बन पड़े हैं। और बार बार याद करो, विनाश होने वाला है 27 साल में। इन आँखों से जो कुछ देखते हैं वो सब खलास होने वाला है। 27 साल तो बहुत दूर है, अपना हिसाब किताब तो पता नहीं कब 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 शुरू हो जाए, रास्ता चलते मौत हो जाता है। दुनिया से वैराग लाने की जरूरत है, बिनु वैराग विवेक न होई। और याद की तो जितनी प्रैक्टिस करेंगे अमृत मिले, उतनी प्रैक्टिस स्थायी होती जाएगी। अमृत बेला सुधर गया तो सब सुधर जाएगा। फिर भी पूछते रहते हैं क्या करें। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। मन भागता रहता है इधर उधर, जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। मन कहाँ जाता है? जहाँ तन की इंद्रियों की ताकत लगाते हैं वही मन जाएगा। जाता है कि नहीं? जाता तो है, सर नीचे कर दिया। और जहाँ हमारा धन होगा, लंदन के कारखाने में सारा धन उड़ेल दिया जाए तो भारत में रहने वाले साहूकार का मन कहाँ जाएगा? लंदन में ही जाएगा। सीधा सीधा सा ज्ञान है, फिर भी वोई वोई बातें पूछते रहते हैं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। और संपूर्ण शिवरात्रि है, संपूर्ण शिवरात्रि। हाँ, अर्थात जो अज्ञान अंधकार की रात्रि जो है, हाँ आगे चल के होने वाला है। अभी हो गई। अभी इनमें कोई है जो दुनिया के सामने अपने को अज्ञानी साबित करता हो? दुनिया के सामने अपन को कोई अज्ञानी कहता है कि हम अज्ञानी हैं? हाँ, तो अहंकारी है या अज्ञानी है? या ज्ञानी है? क्या है? हाँ, आगे चल के ऐसा भी टाइम आएगा कि बेसिक में चलने वाले भी और एडवांस में चलने वाले भी सब टोटल अंधकार में आ जाएंगे। अभी तो थोड़ा बहुत आस्तिक हैं, कभी मानते हैं और कभी माया मुख मोड़ देती है। ऐसा भी टाइम आएगा जैसे कंपिल में माहौल बन गया था 1998 में, और 2001 में माहौल बन गया था कलकत्ते में, जब रविंद्र भाई को जेल हुई थी। कोई भी ज्ञान को मानने के लिए तैयार नहीं था।
जिन्होंने अपनी कन्याएं दी हुई थी वो भी कन्याओं को वापस ले आने के लिए तैयार हो गए थे। तो ज्ञानी हुए कि अज्ञानी? वो तो थोड़ा सा पैसा खर्च किया था उन लोगों ने, थोड़े से नोट की गड्डियां डाली थी, अभी तो तैयार बैठे हैं जितना भी जो कुछ है सारी बाजी लगाने के लिए। हर साल प्रोग्राम बनाते हैं, हर साल कैंसिल हो जाता है, हिम्मत नहीं पड़ती है। अभी कौन सा संप्रदाय है हिंदुस्तान में, धार्मिक संप्रदाय है, जिसकी मुट्ठी में सारी पुलिस हो, सारे पुलिस के लोग उसकी मुट्ठी में हैं? बताओ है? कौन सा है? है ब्रह्मा कुमारी संप्रदाय। प्रशासन के बड़े बड़े ऑफिसर माथा झुकाए बैठे हैं, प्रतिभा पाटिल जैसे बार बार वहां जाकर के सर झुका के आ जाते हैं। बड़े बड़े अखबार वालों को किसने मुट्ठी में किया हुआ है? और उनके सामने उन्होंने सारी अपनी नोटों की गड्डियां अगर फेंक दी, जैसे फरुखाबाद में फेंकी थी, मुकदमों के ऊपर मुकदमे ढेर के ढेर झूठे साबित, झूठे मुकदमे सच्चे साबित कर दिए। अभी तो उनका बेड़ा है, बीड़ा उठाया हुआ है कि जैसे तुम्हारे बाबा का हाल किया था ऐसे तुम्हारा हाल करेंगे, एक एक का चुन चुन के। तो अज्ञान की रात्रि बढ़ेगी अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, या घटेगी? अच्छों अच्छों को माया परास्त करेगी। ऐसा बना देगा जो बना देंगे जो दुनिया में मुंह दिखाने काबिल नहीं रहेंगे, मुंह चुराई चुराई फिरेंगे। हो सकता है तब मजबूरी में घर बार छोड़ करके माउंट आबू भाग जाएं। पेपर वगैरह सब गांव में भी तो पहुंचेंगे? क्यों नहीं पहुंचेंगे? अभी नहीं पहुंचते हैं तो क्या करेंगे? वहां भी रहने नहीं देंगे। अरे अभी वो तुम्हें चैन से जीने दे रहे हैं, आज मकान बनाते हैं कल उखड़वा देते हैं, तोड़वा देते हैं। और का पूरा हाल हो गया। अबे इसे छोड़ दे। क्या सोच रहे हो? सोच रहे कि मतलब इस तरह अगर होगा, इस तरह अगर होगा जैसा बाप के साथ हुआ हमारे साथ तो होने वाला नहीं है। बाप जिस रास्ते से गुजरा है सकरे रास्ते से, उस रास्ते से हम तो नहीं गुजरने वाले, हमने तो अच्छे कर्म किए हैं ना। हमने 63 जन्म में भी अच्छे कर्म किए थे और इस जन्म में भी हम बड़े अच्छे कर्म कर रहे हैं, सौगुना बोझ की तो बात ही नहीं। तो झेलना नहीं पड़ेगा, ज्यादा झेलना पड़ेगा कम झेलना पड़ेगा? एक ये लड़ाई है दिए और तूफान की। बाबा की क्या भूमिका रहेगी इसमें? दिया
दिया दिया अल्लाह दिया। शक्तिमान सीरियल देखा है क्या? भूमिका रहेगी। सहारा रहेगा। अच्छा, ऊपर वाले का सहारा टूट जाएगा। ऊपर वाला भी तो आप ही के अंदर रहता है। अभी परीक्षा होगी, आप ही है, तब पता चलेगा। आप ही जैसे भगत लोग मुंह पे घंटुड़िया बजाते ना, मुंह पे घंटुड़िया बजाना बहुत आता है। ओम शांति।